हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी चैनल गुजराती किचन हिंदी में। आज हम बनाएंगे गर्मियों के लिए ठंडा ठंडा फालूदा। रोज़ फालूदा बनाएंगे, इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए ये रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। फालूदा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने डाला है पानी को गर्म करने के लिए। उसके अंदर अभी हम ये डालेंगे सेवैया। ये रेडीमेड मिलती है, मैंने ये बाज़ार में से, ये इसको बोलते हैं सेवैया, बिरमकली का जो उपमा बनाते हैं वही लेना है। आधा कप जितना लिया है उससे हमारा जो फालूदा है इंस्टेंट बन जाएगा और इससे फालूदा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये डाला है आधा कप और पानी मैंने 1 कप डाला है। उसको अभी हमें अच्छे से उबालना है, तो गैस को स्लो टू मीडियम रखेंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। 4 से 5 मिनट में अच्छे से बॉईल हो जाएगी। तब तक हम सब्जा सीड्स को भिगो देंगे, यानी कि 1 बड़ा चम्मच डाला है तकमरिया या सब्जा सीड, उसको बोल सकते हैं। उसके अंदर अभी आधा ग्लास जितना पानी ऐड करेंगे और उसको 10 से 15 मिनट भिगोने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हमारी सेवैयाँ भी रेडी हो जाएंगी, तो इसको मैं साइड में रख दूंगी। 5 मिनट हो गया है, हमारी जो सेवैया है वो एकदम रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं, ऐसे देखने से एकदम अच्छे से पक गई है। तो अभी हम उसको छान लेंगे। तो मैंने एक छन्नी ले ली है, उसको छान लेना है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने उसको छान लिया है। अभी हमें उसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे, 5 से 10 मिनट। उसके बाद हम फालूदा बनाएंगे। तब मैंने आधा लीटर दूध लिया है, उस ठंडा ही दूध लिया है। अभी उसके अंदर डालेंगे रोज़ सिरप। आप कोई भी सिरप डाल सकते हैं, आपको जैसा फ्लेवर चाहिए। मैंने रोज़ सिरप लिया है, 4 बड़े चम्मच ऐड करेंगे। अगर आपको ज़्यादा कलर पसंद है तो आप ऐड कर सकते हैं। मैंने चीनी इसके अंदर ऐड नहीं किया है क्योंकि रोज़ सिरप बहुत ही मीठा रहता है। अगर आपको ज़्यादा मीठा फालूदा खाना है तो आप इस समय 1 बड़ा चम्मच चीनी को ऐड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा चीनी को ऐड ना कीजिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी हम फालूदा रेडी करेंगे। सब कुछ रेडी है, ग्लास भी मैंने ले लिया है। आप कोई भी ग्लास यूज़ कर सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो सबसे पहले हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच रोज़ सिरप, इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद अभी ऐड करना है, हमने जो सब्जा सीड्स भिगो के रखा था वो ऐड करेंगे। पानी निकाल के उसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ऐड कर सकते हैं, कम पसंद है तो कम ऐड कर सकते हैं। अभी जो हमने सेवैया बॉयल करके रखी थी वो ऐड करेंगे, 2 बड़े चम्मच जितना ऐड करेंगे। तो उसको भी इस तरीके से ऐड कर दीजिए ग्लास के अंदर। आप चाहे तो सारी चीज़ों को दूध में मिला के भी सर्व कर सकते हैं। अभी डालेंगे काजू और पिस्ते, इसे मैंने टुकड़ों में कट कर लिया है, तो इसे डाल देंगे। उसके बाद डालेंगे चेरी के टुकड़े, उससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अगर नहीं है तो ना डालिए, नो प्रॉब्लम। तो अच्छे से इसको भी इसके ऊपर डाल दीजिए। और अभी हम जो दूध बना के रखे हैं वो ऐड करना है, तो दूध ऐड कर देंगे। अभी एकदम आराम से ऐड करना है, तो हमें पूरा ग्लास नहीं भरना है, हमें थोड़ा बाकी रखेंगे। आइसक्रीम डालेंगे इसके ऊपर इसलिए। तो आप देख सकते हैं कि दूध मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम डालेंगे वेनिला आइसक्रीम। आप कोई भी आइसक्रीम यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो कुल्फ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर 1 क्यूब डाल देंगे अंदर। इस तरह आइसक्रीम डाल के ग्लास को भर लीजिए, तो दूसरा भी मैं डाल दूंगी अंदर। आइसक्रीम डाल दिया है, फिर से हम थोड़ा सा रोज़ सिरप उसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि दिखने में बहुत ही अच्छा लगे। ये डालने के बाद अभी हमें डालना है काजू और बादाम के पिस्ते डालेंगे ऊपर से, ताकि और दिखने में बहुत ही बढ़िया लगे। चाहे तो चेरी के टुकड़े भी ऊपर ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फालूदा बन के तैयार है, सर्व करेंगे। तो ये हमारा ठंडा ठंडा रोज़ फालूदा बनके तैयार है। आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही इजी और जल्दी जल्दी बन जाएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। गुजराती किचन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। मिलती हूँ आपको एक ऐसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।